पहले यहाँ मतलब जंगल था, पहले पूरा जंगल था। अच्छा। और उस टाइम पानी का अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा करता। अच्छा। मतलब 100 साल से ऊपर की बात है ये। 100 साल से ऊपर। हाँ, तो जब बाबा मस्तनाथ जी ने यहाँ तपस्या करी थी, और एक झोटा होता है जिस तरह झोटा जो जंगल में, यहाँ झोटा अगरदार, यहाँ पानी की कोई छोटी लेट थी। अच्छा। तो गांव वालों ने जाके देखा कि भाई ये झोटा पानी में कहाँ लेट करता है। अच्छा। पानी तो है नहीं कहीं। हाँ। तो एक दिन उसके पीछे पीछे लग लिए। हाँ। तो वो जंगल में घुसा तो यहाँ आके देखा तो मतलब वो लेट मिली, और उसमें ये शिवलिंग मिले। अच्छा, जो ये मिले थे। हाँ, ये जो आज स्थापित है शिवलिंग शंकर भगवान है। हाँ। ये उसी समय दिखा गांव वालों ने आगे देखा गया है। तो फिर गांव वालों ने एक छोटा उसका मंदिर बना दिया। तो अभी बढ़ते बढ़ते ये, हाँ बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया। हाँ, और ये कुल देवता का मंदिर। हाँ, तो बाबा मस्तनाथ जी ने यहाँ तपस्या करी थी उनका, वहाँ खेतों में, वहां आप जाओगे नहीं मेन रोड जो, हाँ हाँ, जो बाबा मस्तनाथ है फर्स्ट टाइम यहाँ थे वो। अच्छा, फर्स्ट टाइम। हाँ, तो फिर यहाँ उनके कोड लग गया था चरम रोग। हाँ, तो यहाँ ये तीर्थ था पहले, फिर तीर्थ खुदवा दिया था गांव वालों ने, आसपास गांव वालों ने। तो इसकी जिस तरह भृगु ऋषि ने भी तपस्या की है, बताओ, इसका नाम भरकुंडी, भरकुंडी तीर्थ था। भरकुंडी तीर्थ। हाँ, जो अब भी है पिछली साइड गए। तो फिर वो यहाँ उनका चरम रोग हो गया था, तो फिर किसी ने बताया कि आप वहां जाके स्नान करो। अच्छा, तो वो चरम रोग। हाँ, तो यहाँ आके उनका वो चरम रोग ठीक हो गया और तपस्या। फिर वो मिट्टी के हाथी घोड़े बना कर दे। फिर आकाशवाणी हुई थी, अग भाई आप बोर जाओ, वहां असली क्या वह हाथी घोड़े पर चलोगे। अच्छा। हाँ, फिर यहाँ से वो बोर गए। हाँ, हाँ तब बनी थी। और पहले यहाँ से, यहाँ उनका डेरा अब भी बहुत बड़ा बाबा मस्तनाथ का, जमीन हमारी। हाँ, जब भी शिवरात्रि आती है सावण में और फागण में, तो पहला जल वहां से आते है बाबा मस्तनाथ के, जो मस्तनाथ से जल चढ़ के। हाँ हाँ, फिर आम पब्लिक के लिए खुलता मंदिर। मस्तनाथ वाले इधर आके। हाँ, खुद जो गद्दी में बैठ, तो यही हो गया। हाँ, जो गद्दी में मेन बैठता है ना बाबा। हाँ, अब जिस तरह वो चांदनाथ जी हैं शायद, बालकनाथ जी हैं, बालकनाथ जी हैं। हाँ हाँ, तो वो आते हैं या फिर उनका कोई शिष्य है लगभग, तो वही आते हैं। और अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाते तो फिर वो डेरे में से जो और मंत है जो बड़े वो आते हैं। हाँ जी, पहले पूजा पाठ वो करते हैं, ठीक 12 बजे आ जाते हैं वो। अच्छा। और रात को पूजा पाठ पहले उनकी होती है, उसके बाद फिर भगतजनों के लिए खोले जाते हैं। हाँ जी, तो इसकी शंकर भगवान की बहुत मान्यता है। हाँ, शंकर भगवान की तो सब जगह है। निकले हुए हैं ना ये? हाँ, ये निकले हुए हैं। नहीं। तो ये नहीं पता ना, सिद्ध पीठ है ये, सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ है, तभी इतना बड़ा बना है। हाँ जी, तो सुना आपने दोस्तों, धन्यवाद आपके बताने के लिए। हमें तो पता नहीं था, आपने बताया तो हमें पता चला और सबको पता चला। तो धनान धाम में और भी आएंगे और सबको पता चलेगा कि क्या, कैसे ये पीठ बना है, कैसे इसकी मान्यता है। तो धन्यवाद सबको। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, यहाँ भोलेनाथ के पास आके हमें बहुत पता चला कि ये पीठ कैसे बना। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। जय बाबा भोलेनाथ की जय। यहाँ पानी का ये है, अगर पानी लेना है जल देवता मंदिर, तो यहाँ भी है जो पीछे है कोई। अच्छा, नहीं वो जो बता रहे थे तला खुला हुआ है, बंद कर दिया। तो तला भी दिखाते हैं मगर बंद कर, बस अभी बाहर लगा हुआ था ना, पानी पी के ही। चलो पानी पी लेते हैं, कह रहे हैं पानी पी के फिर और बनाते हैं। पकड़ पानी। क्या यार, इसे बंद तो कर ले। चलना देखिए, दिक्कत है वो इतना करेगा, वो उड़ जावे। हां, तो यार इसकी क्लैरिटी उससे ज्यादा है। जरूर होगी वो, आवे 5000 का या 45000 का। नहीं तो भाई पीछा तो लागे चल रहे होंगे। यही तो चीज, अभी स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया अभी, 8-10 दिन लिया। हां, अब है ना काफी चल गया है, चलन ही है।
हाँ वही है, मगर आज जो बताया ना आपने वो शायद किसी को पता नहीं था, हमें खुद नहीं पता था हम आते थे। रात 3 बजे दिल्ली आओ। हाँ दिल्ली की दिल्ली आओ, एक एक आदमी चार चार बार आओ। अब देखना लेडी जाऊंगी कम से कम 100-200 लेडी जाऊंगी। बिल्कुल तुम्हारे फौजी भाई मिसाइल उसमें है अंबाला में ड्यूटी इनकी। तो अभी चलते हैं, आपको मंदिर दिखाई दिया, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।